हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका गोपाल शुक्ला अपने यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इन्वर्टेबल फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, जो 12th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे फ्रीक्वेंटली बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले सपोज कर लीजिएगा एफ फंक्शन है ए टू बी। मान लीजिए एफ हमारा फंक्शन है, कहां से? सेट ए से सेट बी पे। सपोज कर लीजिए ये सिचुएशन है, ये है सेट ए, ये है सेट बी, ए बी सी पी क्यू आर। मान लीजिए ए कनेक्ट है क्यू से, बी कनेक्ट है पी से और सी कनेक्ट है आर से, और फंक्शन एफ इसके बीच में है ए टू बी। तो अगर फंक्शन ए के एलिमेंट्स की इमेज बी के बी सेट के एलिमेंट से बनाता है, तो इन्वर्टेबल यानी कि जो फंक्शन का इनवर्स होगा वो बी सेट्स के एलिमेंट की इमेज अगर ए सेट में बनाए तो वो क्या कहलाएगा? इसका इनवर्स। इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? एफ इनवर्स से। जैसे ए की इमेज है फंक्शन के थ्रू, ए कहां पर इमेज बना रहा है? क्यू पे। अब इनवर्स फंक्शन में हम सेट बी से चलेंगे, तो जो हमारा इनवर्स फंक्शन होगा वो कहां पर होगा? सेट बी से ए को कनेक्ट करेगा। इनवर्स का मतलब क्या? जैसे हम अलीगढ़ से आगरा जा रहे हैं तो फंक्शन, और आगरा से अलीगढ़ लौट रहे हैं तो इनवर्स फंक्शन। ऐसे अगर हम सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट से कनेक्ट कर रहे हैं तो फंक्शन, और अगर हम सेट बी के एलिमेंट्स को सेट ए के एलिमेंट से कनेक्ट करेंगे तो उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होगा ये। तो जैसे ए की इमेज फंक्शन के थ्रू क्यू पे है, तो क्यू की इमेज इनवर्स फंक्शन के थ्रू किस पे बन रही है? ए पे, यानी एफ इनवर्स क्यू Equals to A। अब ये तो बात हो गई इनवर्स फंक्शन की, लेकिन क्या इनवर्स फंक्शन हर सिचुएशन में एग्जिस्ट करता है दोस्तों? तो यहाँ पर आंसर नहीं भी हो सकता है। जैसे एक बहुत बड़ा इंजीनियर अलीगढ़ से जो है अमेरिका चला गया, या किसी भी शहर से अमेरिका चला गया, अब जरूरी नहीं है वो अमेरिका से वापस लौट के यहाँ पर आए, वहाँ के कल्चर वहाँ के चकाचौंध को देख के वो वहीं स्टे कर जाए, उसे इंडिया अच्छा ना लगे, तो इनवर्स एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। ऐसे ही इन सिचुएशन में भी इनवर्स एग्जिस्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आइए सबसे पहले यही जान लेते हैं कि किन कंडीशन में हमारा फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और किन कंडीशन में हमारे फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब दो टाइप के फंक्शन हमने पढ़े थे, वन वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन। ये हमने दो टाइप के फंक्शंस पढ़े थे, तो ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अगर फंक्शन वन वन होता है तो मेनी वन नहीं हो सकता, और फंक्शन मेनी वन है तो वन वन नहीं हो सकता। फिर हमने दो टाइप के फंक्शन पढ़े थे, इनटू फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। अब क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं हम इनको। तो वन वन कनेक्ट हो सकता है इनटू से, तो पहले टाइप का फंक्शन क्या हो गया? वन वन एंड इनटू फंक्शन। वन वन को हमने कनेक्ट किया ऑन टू से, तो फंक्शन क्या हो गया? वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। मैनी वन को हमने कनेक्ट किया इनटू से, तो क्या बन गया? मैनी वन इनटू फंक्शन। और मैनी वन को आपने कनेक्ट किया ऑन टू से, तो क्या बन गया? मैनी वन ऑन टू फंक्शन। तो सबसे पहले आप ये देखें कि फर्स्ट केस में हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, फर्स्ट वाला केस ले रहे हैं, वन वन एंड इन टू फंक्शन। मैं एक एग्जाम्पल इसका लेके आपको समझाता हूं। जैसे ये सेट आपका ए है,
ये सेट है आपका बी। यहां पर आपने एलिमेंट्स ले लिए पी क्यू आर, यहां पर ले लिया आपने ए बी सी और डी। पी की इमेज मान लीजिए ए पे बन रही है, क्यू की बी पे और आर की सी पे। ये फंक्शन क्या है, वन वन और इन टू फंक्शन है। वन वन का मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, उनकी डिस्टिंक्ट इमेजेस है। अगर आपको वन वन इन टू मैनी वन और ऑन टू फंक्शन में कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरी पिछली वीडियोस देखिएगा, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूंगा, तब आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये आपका वन वन फंक्शन हो गया। इन टू क्यों है, इन टू फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें सेकेंड सेट के कम से कम एक एलिमेंट की प्री इमेज ना हो। तो डी की कोई प्री इमेज है नहीं है, ए की प्री इमेज है पी। फिर एक बार समझिएगा, P की इमेज A, A की प्री इमेज P। तो अगर एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी प्री इमेज ना हो, सेकंड सेट में कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जिसकी प्री इमेज ना हो, तो फंक्शन इन टू होता है। वन वन तो ये है ही है, क्यों, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स की क्या है, डिफरेंट इमेजेस है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वन वन इन टू फंक्शन है, लेकिन ये इनवर्स करने लायक नहीं है। क्यों नहीं है इनवर्स करने लायक, अगर आप यहां से यहां तक देखते हैं तो फंक्शन है, लेकिन यहां से यहां तक इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज Not a function। क्यों नहीं है function? क्योंकि function की definition कहती है हर element की image होनी चाहिए set में, और वो भी unique होनी चाहिए। अब अगर हम B से A set पर चल रहे हैं तो D element की image बनी नहीं रही है, और जब D element की image नहीं बन रही तो इसका मतलब B से A पे ये function है ही नहीं। तो यहाँ से क्या समझ में आया, ये function वन वन ऑन टू और इन टू function होगा तो क्या होगा, inverse not एग्जिस्ट। आपका इन्वर्ट जो होगा फंक्शन का वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब चलिए दूसरा केस देखते हैं, या तीसरा केस पहले देख लेते हैं, मेनी वन इनटू फंक्शन। सेकंड केस, मेनी वन इनटू फंक्शन। फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी पी क्यू आर ए बी सी। पी की इमेज बन गई ए पे, क्यू की इमेज बन गई ए पे, आर की इमेज बन गई ए पे। क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज है तो फंक्शन वन वन नहीं है, मेनी वन है। और इनटू क्यों नहीं है, इनटू फंक्शन क्यों है, क्योंकि सी की प्री इमेज नहीं है आपके पहले वाले सेट में। तो यानी कंफर्म है ये हमारा एग्जांपल किसका है, मेनी वन इनटू का। लेकिन ये फंक्शन ए से बी पे तो है, लेकिन ये फंक्शन बी से ए पे नहीं है। इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज नॉट ए फंक्शन। वाई, क्योंकि अगर आप पीछे से देखें तो ए की कितनी इमेज हो गई, दो इमेज हो गई, और फंक्शन की डेफिनेशन है एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, ठीक है। और यहां पर ए की कितनी इमेज हो गई, दो इमेज हो गई, और सी की कोई इमेज है ही नहीं। तो इसका मतलब कि दो हमारे पास ऐसे क्लू आ गए जिससे हम ये कह सकते हैं कि इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहां पर क्या होगा, इनवर्स Not exist। यहां पर भी आपका क्या होगा, inverse exist नहीं कर रहा। अब देखिएगा आगे चौथी सिचुएशन, मेनी वन ऑन टू फंक्शन। मेनी वन ऑन टू फंक्शन यानी फंक्शन मेनी वन भी हो और ऑन टू भी। तो ए से बी ये हो गया पी क्यू आर, यहां हो गया ए बी। पी की इमेज बन गई ए पे, क्यू की इमेज बन गई ए पे, आर की इमेज बन गई बी पे। क्योंकि सेट बी के हर एलिमेंट की प्री इमेजेस हैं,
बी की प्री इमेज आर, ए की प्री इमेज पी क्यू, इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या हो गया, ऑन टू हो गया। और क्योंकि ये दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं और एक ही जगह इमेज बना रहे हैं तो फंक्शन क्या हो गया, मैनी वन। तो फंक्शन क्या हो गया, मैनी वन ऑन टू। तो ये इनफैक्ट फंक्शन है ए से बी पे, लेकिन ये अगर आप गौर करें तो फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप बी सेट के एलिमेंट को ए सेट के एलिमेंट से कनेक्ट करोगे तो ए की कितनी इमेज आ रही है, दो डिस्टिंक्ट इमेजेस आ रही हैं। और फंक्शन ऐसा कभी नहीं करता है, फंक्शन डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट, फंक्शन क्या करता है, एवरी एलिमेंट जो आपका डोमेन होता है उसकी यूनिक इमेज होती है को डोमेन में। जब आप बी से ए में जाएंगे तो डोमेन क्या हो जाएगा, बी, और ए क्या हो जाएगा आपका, को डोमेन। तो ए की एक इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए, जबकि ए की दो इमेज आ रही है। दैट इज व्हाई इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इनवर्स यानी यहां वहां पर क्या होगा, इट इज नॉट ए फंक्शन, इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, यानी इस केस में इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब दूसरा केस ले लेते हैं, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। ये सेट ए, ये सेट बी, पी क्यू आर, ए बी सी। मान लीजिए पी ने इमेज बना दी बी पे, क्यू ने इमेज बना दी ए पे, आर ने सी पे, ये तो फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि हर एलिमेंट के सेकंड सेट की प्री इमेज है, दैट इज व्हाई इट इज ऑन टू, और डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस है, दैट इज व्हाई फंक्शन वन वन। अच्छा, ये फंक्शन है और इनफैक्ट जो है ये इनवर्स भी इसका एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि जब आप यहां से यहां देखेंगे, अब आप अगर इससे इस सेट पर चलने, मान लीजिए इसको हम जी मान लेते हैं, ठीक है, लेट इट इज जी। तो अगर जी जो फंक्शन है वो बी के एलिमेंट को ए से कनेक्ट कर रहा है, देखिए जी को ए से कनेक्ट करें तो उसकी इमेज बनती है क्यू, जी को ए से कनेक्ट करते हैं तो इमेज बनती है क्यू, जी को बी से कनेक्ट करते हैं तो इमेज बनती है पी, और जी को सी से कनेक्ट करते हैं तो इमेज बनती है आर। यानी ये तीन एलिमेंट है, तीनों इमेज बना रहे हैं सेट ए में, और अगर आप बी से ए पे देख रहे हैं तो, और इमेज बना रहे हैं, इमेज भी यूनिक बना रहे हैं, और कोई भी ऐसा एलिमेंट है नहीं जिसकी इमेज ए में ना बन रही हो, तो इसका मतलब यहां पर इनवर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो यानी इस केस में क्या होता है, इनवर्स एग्जिस्ट, यानी फंक्शन का इनवर्स क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो यानी यहां से हम एक बात समझ गए कि इनवर्स ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट ओनली व्हेन इट इज वन वन एंड ऑन टू। इनवर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट व्हेन इट इज वन वन एंड ऑन टू, यानी जब तक हम एंश्योर ना हो जाएं कि हमारा फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है, तब तक उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो पहले हमें एंश्योर होना है कि फंक्शन हमारा वन वन और ऑन टू हो। चलिए, हमने ये तो समझ लिया कि इन्वर्टेबल फंक्शन किस कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, यानी जब फंक्शन हमारा वन वन होता है और ऑन टू होता है तो हमारा जो है ये इन्वर्टेबल फंक्शन एग्जिस्ट करता है। अब अगर फंक्शन इन्वर्टेबल हमने प्रूफ करना है और उसका इनवर्स निकालना है तो क्या एल्गोरिदम है, क्या स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें दे रखा होगा वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ये मैं एल्गोरिदम स्टेप्स बताता हूँ। तो पहला स्टेप ये, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ दैट फंक्शन इज वन वन। सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि हमारा फंक्शन वन वन है, यानी अगर अलग अलग एलिमेंट्स की सेम इमेज है तो हमें क्या शो करना पड़ेगा, वो एलिमेंट्स भी सेम हैं। जैसे दो फोटोज एक जैसी दिख रही हैं तो वो इमेजेस हो गई, अगर वो एक ही इंसान की फोटो होंगी तो फंक्शन क्या बन जाएगा, वन वन। और अगर आपको वन वन प्रूफ करने में कोई भी डिफिकल्टी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, वहां पर मेरी पिछले वीडियोस के लिंक पड़े हुए हैं, वन वन ऑन टू वाले वीडियोस देखिएगा, आप बहुत अच्छे से दोस्तों समझ जाएंगे कि हमें कैसे प्रूफ करना है फंक्शन हमारा वन वन है या ऑन टू है।
अब सबसे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ दैट फंक्शन इज ऑन टू। फिर दोबारा आपको ये करना पड़ेगा प्रूफ कि हमारा फंक्शन जो है वो ऑन टू है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x को y के फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी इस रिलेशन का यूज करके आपको x को एलोन छोड़ना है और सारा प्रेशर किस पर डाल देना है, y पे। यानी अब हम y की वैल्यू से x की वैल्यू कैलकुलेट कर पाए। तो अगर हम y की वैल्यू से x की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे तो हमारा फंक्शन x से y पे नहीं रहेंगे, y से x पे हो जाएगा, और उस फंक्शन को हम क्या नाम दे देंगे, g का नाम दे देंगे। इसके बाद अगर y के हर एलिमेंट्स की प्री इमेज हमें मिल जाए, यानी कि y जो भी हम y लेके चले इस रिलेशन से, उससे जो x आए वो हमारा डोमेन सेट में आ जाए, तो फिर फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। एक तरीका और है दोस्तों ऑन टू शो करने का, अगर फंक्शन का कोडोमेन और फंक्शन की रेंज बराबर हो जाती है तब भी आपका फंक्शन क्या बनता है, ऑन टू बनता है। तो हमने ये तो शो कर दिया कि हमारा फंक्शन वन वन है और ऑन टू है थ्रू द स्टेप फर्स्ट एंड थ्रू द स्टेप सेकेंड। इसके बाद फाइनली क्या करना है, अब जब आपके पास तीसरा स्टेप है तो इसमें दो फंक्शंस क्रिएट हो गए, एक y बराबर fx और एक x equals to gy। एक तो फंक्शन ये ओरिजिनल फंक्शन था, एक हमने जो फंक्शन ऐसा क्रिएट किया था जो y की वैल्यू से x की वैल्यू दे, दूसरा फंक्शन gy। अब आप क्या करें, इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन निकालने की कोशिश करिए, f का f कंपोजिशन g या g कंपोजिशन f। अगर f कंपोजिशन g आइडेंटिटी फंक्शन क्रिएट कर दे y से में, या GOF आइडेंटिटी फंक्शन क्रिएट कर दे सेट X में, तो समझ लेना कि 100% जब दो फंक्शन मिलके आइडेंटिटी फंक्शन क्रिएट करते हैं तो वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो फिर क्या कहलाएगा, G को F का इनवर्स कहेंगे, और G की जगह आप क्या लगा सकते हैं, F इनवर्स लगा सकते हैं, या G की जगह F इनवर्स निकाल लेंगे, आपको फंक्शन का इनवर्स पता चल जाएगा। चलिए हमने एल्गोरिदम तो सीख ली कि फंक्शन कैसे इन्वर्टेबल होता है और हमें क्या क्या चीजें शो करनी पड़ती है कि फंक्शन इन्वर्टेबल होगा, और फिर उसका इन्वर्स निकालना भी सीख लिया। लेकिन दोस्तों जब तक हम एग्जांपल देके नहीं अगर इसको एल्गोरिदम के स्टेप्स को इल्यूस्ट्रेट करेंगे तब तक समझ में आना थोड़ी दिक्कत होगी। तो चलिए एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। हमारा फंक्शन है वाई इक्वल्स टू 4x+3। सबसे पहले हमें देखना है कि ये 1-1 है या नहीं है। तो सबसे पहली बात हम चेक करना चाह रहे हैं फंक्शन इज 1-1 और नॉट। अब हम क्या लेके चले, अच्छा पहले अपने फंक्शन को ठीक से समझ लीजिए। ये x है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसका क्या हो रहा है, 4 times प्लस 3। यानी इफ वी हैव टू रिमूव द फंक्शन देन वी हैव टू मल्टीप्लाई 4 इनटू ऑब्जेक्ट and then add 3. This is the mechanism of the function and we have to understand it. तो अब क्या करते हैं, fx1 equals to fx2, object क्या है x1, उसका आपने क्या कर दिया 4 times, add कर दिया 3, object क्या है x2, 4 का multiply करके 3 add कर दिया, तो आंसर क्या आ गया x1 equals to x2। और fx1 equals to fx2 से x1 equals to x2 आना क्या कंफर्मेशन देता है कि हमारा फंक्शन 1-1 है, since fx1 equals to fx2 implies x1 equals to x2, so function is 1-1। अब पहली बात ये, अब सेकेंड हमें चेक करना है ऑन टू। तो ऑन टू के लिए आपको क्या करना है, ऑन टू के लिए आपको एक्स को वाई के फंक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो आपने क्या किया, 3 को ट्रांसफर कर लिया 4x, फिर 4 का डिवाइड कर दिया, तो क्या आंसर आ गया, एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। क्योंकि यहां से y की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, तो ये किसका फंक्शन हो गया, ये हो गया y का फंक्शन। और इसको हम ले लेते हैं सेकंड इक्वेशन, और ये जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था इसको ले लेते हैं
फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब होता तो यही है फंक्शन का इनवर्स, लेकिन जैसे कानून को सबूत की जरूरत होती है, ये क्यों है ये फंक्शन का इनवर्स, जैसे कानून को सबूत की जरूरत होती है कि क्यों है ये मुजरिम, ऐसे हमें भी ये सबूत देना पड़ेगा, एविडेंस देना पड़ेगा कि यही क्यों फंक्शन का इनवर्स है। तो क्या करना पड़ेगा, अपने ओरिजिनल फंक्शन से इस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, कंबाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं कंबाइंड, एफ ओ जी वाई, एफ कंपोजिशन जी वाई, क्योंकि वाई के क्लोज में कौन सा फंक्शन है, जी, तो ये हो जाएगा एफ जी वाई। और जी वाई की वैल्यू देखा आपने क्या है, वाई माइनस थ्री डिवाइडेड बाई फोर। और आपको जब फंक्शन को समझना था तो क्या करना था, ऑब्जेक्ट का फोर टाइम्स और थ्री ऐड करना है। एफ को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का फोर टाइम्स और उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, थ्री। तो ऑब्जेक्ट क्या है, y माइनस थ्री अपॉन फोर और उसमें क्या ऐड करना है, थ्री। तो क्या बचा, y माइनस थ्री प्लस थ्री यानी y। और ऐसा ही फंक्शन y की इमेज y पे बनाता है जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है, यानी एफ ओ जी क्या बन गया, एफ ओ जी बन गया आइडेंटिटी फंक्शन। और किस में बन गया, जब फंक्शन है r टू r तो इनवर्स फंक्शन भी आपका g क्या होगा, r टू r, तो यानी आइडेंटिटी फंक्शन किसमें बन गया, आर में बन गया। और जब दो फंक्शंस, कोई भी फंक्शन अगर आइडेंटिटी फंक्शन बना ले, या दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन आइडेंटिटी फंक्शन बना ले, तो दे आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि जब तक दो इनवर्स फंक्शन नहीं होंगे उनका कंपोजिशन आइडेंटिटी आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब फ्रॉम थर्ड G is the inverse of F. अब ये वैल्यू आप कहां लगा दीजिए, इक्वेशन सेकंड में, y माइनस थ्री वाई फोर, g की जगह क्या लगा दीजिएगा, F इनवर्स y। और आप चाहें तो, क्योंकि फंक्शन के साथ ट्रेंड होता है हमेशा डोमेन को x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो y की जगह क्या कर दीजिएगा, x कर दीजिएगा। तो आंसर आ जाएगा x माइनस थ्री डिवाइडेड बाई फोर, दिस इज द इनवर्स ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। ये आपका ओरिजिनल फंक्शन का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा।